नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। आईटीओ समेत तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया है और वहीं NH24 पर गाड़ियों का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लंबे जाम से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आज दिल्ली में NH24 पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और एक तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता एक्साइज नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ लगातार बीजेपी दिल्ली सरकार को घेर रही है और आज एक बार फिर से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं, आईटीओ के मेन चौराहे पर। यहां पर देखिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, चारों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया है। हर रास्ते पर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो गए और सभी के हाथ में बैनर है के दिल्ली में जो है सरकार वो सुशासन तो नहीं दे सकी, लेकिन आबकारी नीति के तहत पूरी दिल्ली को शराब का अड्डा बना दिया है। लगातार बीजेपी नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है और उसी के चलते आज जगह जगह दिल्ली में चक्का जाम बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से। और ये आईटीओ चौराहे केवल यही नहीं, दिल्ली के कई अन्य इलाके हैं जिसमें बाकायदा जो बाहरी दिल्ली है, जो उत्तरी दिल्ली है, ISPT कश्मीरी गेट कहें या अक्षरधाम कहें या फिर रोहिणी, हर जगह पर इसी तरीके से जगह जगह बीजेपी ने मुख्य चौराहों पर चक्का जाम किया। और आप समझ सकते हैं कि आईटीओ पर और सुबह का समय है, पीक आवर्स का टाइम है जिस वक्त लोग तमाम लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और सुबह के समय अगर इस तरह से जाम की स्थिति पहुँच जाए तो क्या होगा, ऐसे रास्ता ब्लॉक करने से क्या इसका कोई हल है। लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं, इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से ये नई आबकारी नीति को लेकर लगातार दिल्ली सरकार से उसे बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसके चलते आज तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और लेकिन इसके जो एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह की भीड़ जुटाना ये कहाँ तक है संगत है तत्संगत है, इसके बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है। कमिश्नर प्रहलाद सिंह के साथ कौशिक, न्यूज 24 दिल्ली।